गाइस फाइनली टेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है। CSW ऑफिशियल में टेस्टिंग देने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे NZMA10 यानी NZ स्पोर्ट्स की बंदे। तो देखते हैं इस बंदे के अंदर काबिलियत कितना है। 87% हेडशॉट रेट के साथ आ चुके हैं। सामने रहने वाले जशन और DPI जैसे शानदार दो बंदे। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। NZMA10 खुद एक PC प्लेयर और सामने रहने वाले DPI वन ऑफ द बेस्ट। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब होंगे, बढ़िया होंगे। CSW ऑफिशियल के और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो पे आप सबकी स्वागत है। तो गाइस पहले मैं एक क्लियर कर लूं कि फेस रिवील के लिए बहुत बंदे मैं यहां पे कमेंट कर रहा है, बहुत बंदे बोल रहा है। तो गाइस फेस रिवील होने वाला है 2 या 3 दिन के अंदर या फिर जल्दी जल्दी होगा, 24 घंटे के अंदर होगा, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो गाइस चैनल पे जो भी वीडियो देख रहे हो शेयर करो जल्दी से जल्दी, सब्सक्राइब करो चैनल पे नए हो तो, लाइक कर दो इस वीडियो में। और बहुत जल्दी जल्दी फेस कैम होने वाला है हर एक लाइव में। तो गाइस हर एक लाइव को अटेंड किया करो, ठीक है। तो इसके साथ बताते हैं आज की जो टेस्टिंग मैच है, ये टेस्टिंग मैच में क्या कुछ होने वाले। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये टेस्टिंग मैच में होने वाले NZMA10 वर्सेस 2 CSW प्लेयर, यानी यहाँ पे होने वाले NZMA10 की टेस्टिंग। और पहला बंदे यहाँ पे अपनी खाते में जोड़ चुका है, दूसरे राउंड में यहाँ पे फास्ट राउंड यहाँ पे खत्म हो चुके थे क्योंकि फास्ट राउंड में NZMA10 को खत्म कर दिया गया जसन के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ पे DPI अकेले बचा है, 1v1 का सिचुएशन DPI वर्सेस MA10। देखते हैं क्या NZMA10 आज के यहाँ पे मैच को जीतकर या फिर 5 राउंड लेकर या फिर 4 राउंड लेकर यहाँ पे क्या CSW MA10 बन पाएगा, क्या एक जगह बना पाएगा CSW ऑफिशियल में। हाँ गाइस, चाहे कहीं भी हो आप, आपको टेस्ट देके ही आना पड़ेगा। चाहे कितने भी अच्छे गिल्ड में हो, आपको टेस्ट देके ही ज्वाइन करना पड़ेगा CSW ऑफिशियल में। किसी गिल्ड में है तो वो बंदे को हम देख के नहीं लेंगे, गेम देख के ही लेंगे, ठीक है। तो गाइस बिना किसी बात की लाइक करो, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाले NZMA10 को, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पहला राउंड अपने खाते में, सेकंड राउंड को यहाँ पे अपने खाते में लेते हुए देखा गया 1-1 की स्कोर। देखते हैं आगे चल के क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर, क्या MA10 अपनी काबिलियत दिखा पाएगा, देखेंगे। और बिल्कुल एक हेडशॉट जरूर से लगाया गया यहाँ पे DPI को, और जसन अकेला जिंदा है। देखते हैं MA10 वर्सेस जसन होने वाले CSW ऑफिशियल वर्सेस NZ स्पोर्ट्स। देखते हैं 1-on-1 की सिचुएशन यहाँ पे क्या कुछ होने वाले, क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर। गाइस क्या कुछ देखने को मिल सकता है गाइस इस मैच में, क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या MA10 मार पाएगा। आप लोगों को अगर MA10 का गेम प्ले अच्छा लगा तो जरूर से जरूर बताना, क्योंकि इस बंदे को आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करके इस बंदे को गिल्ड में लिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग जरूर से जरूर बताना, ठीक है, कैसा खेला है बंदे ने। पूरा मैच देखो तभी तो बता पाओगे, जल्दी से जल्दी पूरा मैच अच्छा से देखो, कंसेंट्रेट करो मैच में। तो यहाँ पे देखते हैं, और ओपी वाले हेडशॉट बिल्कुल यहाँ पे दूसरे राउंड में अपने खाते में, यानी थर्ड राउंड खत्म होने वाला है, हो चुके हैं, और 2 राउंड अपने खाते में बैक टू बैक ले चुके हैं NZMA10। तो देखते हैं यहाँ पे CSW ऑफिशियल का बंदे, 2 बंदे क्या छोड़ेगा इसको, नहीं छोड़ने वाला गाइस, क्योंकि CSW ऑफिशियल का भी बंदे लोग खतरनाक ब्रांड है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाले हैं NZMA10 वर्सेस जशन एंड DPI। देखते हैं गाइस क्या कुछ करने वाले यहाँ पे NZMA10, क्या कुछ करने वाले गाइस यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रैटेजी जरूर लगाया जाएगा MA10 की तरफ से, क्योंकि ये बंदा भी बेस्ट है, मैंने सुना भी था। बट देखते हैं यहाँ पे क्या गेम दिखा पाएगा DPI और जसन के सामने। जी हाँ गाइस, यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफी अच्छा ट्राई यहाँ पे जरूर कर रहा है ग्लू का, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे जसन का स्पैम से बचना नामुमकिन है, क्योंकि टेस्टिंग में गाइस यहाँ पे जो ऑलगन बंदा रहता है वो स्पैम कर सकता है, बट ग्लू नहीं फोड़ सकता ना, रिवाइव नहीं दे सकता, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे MA10 नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, 2-2 की स्कोर हो चुका है बिल्कुल यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे ड्रॉ की मैच चल रहा है, क्या MA10 मार पाएगा, क्या 4 राउंड यहाँ पे ले पाएगा, क्या 5 राउंड ले पाएगा। जी हाँ गाइस, इसका गेम प्ले देख के मेरे को लग रहा है 4 राउंड में मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि इंप्रेसिव गेम प्ले जिनका है उनका गाइस 4 राउंड भी काफी है, और जिनका इंप्रेसिव गेम प्ले ना हो उसको 5 राउंड लेना पड़ेगा हार्ड वर्क करके। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे इसको जो 4 राउंड में लिया जाएगा, बट आप लोगों के ओपिनियन भी बहुत डिपेंड करेगा। तो आप लोग भी ओपिनियन करो, आप लोग भी अपना अपना ओपिनियन बताओ कि ये बंदा कैसा खेल रहा है और क्या इसको लेना चाहिए गिल्ड में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या जगह बना पाएगा MA10 CSW ऑफिशियल में, देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाले NZMA10 वर्सेस 2 CSW प्लेयर। 2-3 की स्कोर, और यहाँ पे बढ़िया सा हेडशॉट के साथ बिल्कुल एक खामोशिया हेडशॉट बिल्कुल यहाँ पे DPI को नहीं गाइस जसन को डाउन करते हुए देखा गया। 1-on-1 की सिचुएशन होने वाले यहाँ पे DPI के साथ, देखेंगे जरूर क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर, क्या कुछ देखने को मिल सकता है गाइस इस मैच में, क्या कुछ देखने को मिल सकता है गाइस, देखेंगे जरूर। DPI वर्सेस MA10 होने वाले फाइट यहाँ पे 1-on-1 की सिचुएशन, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करते करते खेलते हुए देखा जा रहा है यहाँ पे MA10 को। थोड़ा सा स्ट्रेटजी फुट फाइट यहाँ पे, फुट स्टेप देख सकते हो कितना जहरला फुट स्टेप है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हुए, थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेप बाय स्टेप ग्लू लगाते हुए देखा जा रहा है इस बंदे को। काफी बढ़िया नशेली फुट स्टेप है बिल्कुल, चमकता हुआ सितारे रेड नंबर से क्या बात करते हुए देखा जाएगा DPI को यहाँ पे, देखेंगे जरूर यहाँ पे क्या कुछ होने वाले MA10 वर्सेस DPI क्या होने वाला है गाइस। यहाँ पे फुट स्टेप देख सकते हो MA10 की, काफी जहर लग रहा है मेरे को इसका फुट स्टेप,
जो कि यहाँ पे एक फ्री स्टाइल प्लेयर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बट स्क्वाड का प्लेयर बिल्कुल लग रहा है। बट खामोश एक हेडशॉट चमकता हुआ रेड नंबर दिखाते हुए, लाल रंग का हेडशॉट लगाते हुए यहाँ पे देखा गया, बिल्कुल एक अच्छा खासा गेम प्ले जरूर से दिखाते जा रहे हैं मिल्टन यहाँ पे बैक टू बैक ओपी इन द चैट एमिल्टन बोलते देखा देखते गाइस। यहाँ पे अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ एमिल्टन का गेम प्ले आप लोगों को पसंद आ रहा है तो गाइस जल्दी से जल्दी गाइस हैशटैग एमिल्टन लगाना, क्योंकि आपका एक हैशटैग आपका एक सपोर्ट बहुत मोटिवेट करता है एक बंदे को, एक प्लेयर्स को, ठीक है। तो देखेंगे जरूर कि इस बंदा चार राउंड ले पाएगा कि नहीं, देखते गाइस क्या कुछ होने वाले। गाइस कमेंट्री बहुत दिन से किया नहीं तो गाइस छूट रहा है, अब से स्टार्ट हो गया कमेंट्री करना। तो गाइस रिलैक्स करो, सबके वीडियो पे कमेंट्री करेंगे, सबके वीडियो पे रिएक्शन भी देने वाला हूँ, सबके गेम प्ले को भी रिएक्शन देने वाला हूँ। देखते गाइस क्या कुछ होने वाले, गाइस क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छा खासा गेम जरूर दिखाने वाले यहाँ पे एमिल्टन। फुट स्टेप गाइस काफी जहर है, मेरे को लगा फुट स्टेप इसका और एक्यूरेसी इसका बहुत ही जहर है। देखते गाइस एमिल्टन को आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, और जसन भी सामने से यहाँ पे देखते हैं, बिल्कुल एक हेडशॉट जरूर से लगाया जाएगा, नहीं लगा पाया बिल्कुल। और यहाँ पे फिर से हेडशॉट टीपीआई की तरफ, फिर से हेडशॉट गाइस, वन ऑन वन की सिचुएशन जसन के साथ। देखते गाइस जसन वर्सेस एमिल्टन, फिर से सीएसडब्ल्यू ऑफिशियल वर्सेस एनजी स्पोर्ट्स। देखते गाइस क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर, क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ देखने को मिल सकता है गाइस यहाँ पे। देखते गाइस क्या कुछ होने, ओपी वाले हेडशॉट के साथ क्लियर जरूर से किया है बंदे ने। देखते हैं जसन वर्सेस चार राउंड के लिए पाएगा, क्या चार राउंड लेने के लिए तैयार है यहाँ पे एमिल्टन, क्या मार पाएगा जसन को, देखेंगे गाइस। अगर चार राउंड ले लिया तो मैं तो इसको गिल्ड में लेने वाला हूँ, बट आप लोग अपना अपना ओपिनियन दिखाना, तभी तो कुछ होगा। और एलिमिनेट होते हुए देखा गया यहाँ पे एमिल्टन को, बट यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है 3-4 की स्कोर में। देखते गाइस तीन राउंड बिल्कुल ले चुका है यहाँ पे, क्या मार पाएगा। 8th नंबर राउंड स्टार्ट चुका है, देखते गाइस क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर, क्या कुछ देखने को मिल सकता है गाइस इस मैच में। देखते काफी अच्छा स्ट्रेटजी से ट्राई जरूर कर रहा है एमिल्टन। गाइस ऐसे ही खेलो, देखना हर कोई गिल्ड में आप चांस मिल सकता है, आपको चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है आपको अच्छे अच्छे गिल्ड में। जैसे कि एमिल्टन खेल रहा है, इसका जो फुट स्टेप है, इसका जो एक्यूरेसी है, वही एक्यूरेसी वही फुट स्टेप बनाओ, 1v2 टेस्टिंग के लिए यही बेस्ट है, ठीक है। 1v2 टेस्टिंग अगर कहीं पे दे रहो तो ऐसे टाइप्स की गेम प्ले करो, अपने आप मर जाएगा बंदे, क्या बताया आप। और काफी बढ़िया सा हेडशॉट के साथ फिर से एक बंदा को लिया गया यहाँ पे, डीपीआई को जरूर से लिया गया, काफी अच्छा खेल रहा बंदा, काफी अच्छा खेल रहा है एमिल्टन। देखते गाइस हैशटैग एमिल्टन लगा देना गाइस, जो भी देख रहे हो गाइस फटाफट लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। और जी हाँ गाइस पहले ही बता दो, जिनको भी गिल्ड टेस्ट देना है, गिल्ड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है सीएसडब्ल्यू ऑफिशियल के लिए, अब तक बंद था थोड़ा बहुत दिन के लिए, गिल्ड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, अब लाइव में भी होगा और डिस्कॉर्ड में होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे गिल्ड टेस्ट बंद हो चुका है, व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के लिए गिल्ड टेस्ट होगा, लाइव में होगा और डिस्कॉर्ड में होगा ऑफिशियल के लिए। तो जो भी गाइस अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन क्या हुआ रहेगा, जाके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करो, उधर जाके जनरल वीसी में ज्वाइन होकर किसी को भी बोलो, मैसेज करो, चैट्स में मैसेज करो, आप लोग को रिप्लाई जरूर से मिलेगा, टेस्टिंग भी जरूर से लिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज गाइस इंस्टा पे जाके मेरे को फॉलो करके मैसेज करना, वहां पे भी हम रिप्लाई देते हैं बहुत ही अर्जेंट बात की, ठीक है। और अदरवाइज अगर कोई ऑफिशियल में ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो ब्रांच ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सीएसडब्ल्यू ऑफिशियल टेस्टिंग नाम की ग्रुप लिंक है, उसमें ज्वाइन करके आप किसी भी ब्रांच के लिए टेस्टिंग दे सकते हो। अगर आप आज ब्रांच ज्वाइन कर लोगे तो कुछ दिन बाद आपको ब्रांच का लीडर ही आपको सीएसडब्ल्यू ऑफिशियल की तरफ आगे बढ़ाने के लिए मौका देगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी देख रहे हो खुश रहो बहुत अच्छा से, और यहाँ पे गेम प्ले को मेंटेन करो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाले हैं, एमिल्टन वर्सेस 2 सीएसडब्ल्यू प्लेयर, 1v2 का सिचुएशन यहाँ पे एमिल्टन का मार पाएगा, बिल्कुल 4-4 की स्कोर, काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मारा गया है 4-4 की स्कोर गाइस। और फेस रिबिल भी बहुत जल्दी होने वाला है, मैंने बताया है 24 घंटा या फिर 80 आवर्स या फिर 3 दिन के अंदर फेस रिबिल जरूर होगा, कभी भी होगा। तो गाइस आप लोग जो भी देख रहे हो, ऑलवेज ऑल टाइम जो भी लाइव आए, जो भी वीडियो आए मेरा, उसमें ध्यान रखो, क्योंकि किसी में भी मैं फेस स्कैम कर सकता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ होने वाले गाइस, क्या कुछ होने वाले गाइस, देखते गाइस। और जो भी बाद में वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को जो बाद में देख रहे हो, बाद में मतलब क्या कि 10 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद देख रहे हो वीडियो अपलोड के, या फिर और भी बात देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, जो भी लगे अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, जो भी देख रहे हो फटाफट जल्दी से जल्दी गाइस। देखते गाइस क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर, क्या कुछ होने वाले गाइस। 4-5 की स्कोर यहाँ पे, 4 राउंड जीत चुका है, मतलब ये बंदा सिलेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट गिल्ड के लिए। बट आप लोगों के ओपिनियन जरूरी है, आप लोग अगर बोलते हो तो लिया जाएगा यहाँ पे 4-6 की स्कोर, बिल्कुल 5 राउंड अगर ले लिया तो श्योर लेना जाएगा, बट 4 राउंड लिया है तो आप लोगों का ओपिनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप लोग बताना इसको गिल्ड में लिया जाए या नहीं एनजी एमिल्टन को। देखते गाइस क्या कुछ करने वाले हैं, क्या राउंड ले पाएगा, या फिर कमबैक कर पाएगा, या फिर सीएसडब्ल्यू ऑफिशियल के बंदे ने खत्म करेगा। देखते गाइस क्या कुछ होने वाले हैं, एमिल्टन वर्सेस यहाँ पे 2 प्लेयर्स होने वाले सीएसडब्ल्यू ऑफिशियल की तरफ से, क्या ही तो टेस्ट चल रहा है यहाँ पे 1v2। देखते गाइस क्या कुछ होने वाले इस मैच के अंदर, गाइस क्या कुछ होने वाले है।
आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, यहाँ पे सामने से भी बंदा है, पीछे से भी बंदा है, दोनों तरफ से बंदे खेलते हुए देखा जा रहा है, दोनों तरफ से। ठीक है, स्ट्रैटेजी जरूर लगा रहा है बंदा, अच्छा खासा स्ट्रैटेजी का बंदा है, फुट स्टेप से लेकर स्ट्रैटेजी से लेकर एक्यूरेसी से लेकर सारे कुछ अच्छा है इसका। पर यहाँ पे डीपीआई जैसे बंदे सामने हैं तो प्रॉब्लम तो होगा ही थोड़ा बहुत राउंड लेने के लिए, जहाँ पे कि पता ही आप लोगों को डीपीआई एक मूवमेंट किंग है जो घुमाता ज़्यादा है, मारता ज़्यादा है, बट रुलाता कम है। तो देखते गाइस यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है, डीपीआई वर्सेस एमेटेन, जशन वर्सेस एमेटेन, देखते गाइस एनजी एमेटेन क्या कुछ कर सकता है यहाँ पे। सामने आते हुए देखा जा रहा है दो बंदे को, और काफी अच्छा सा ट्राई जरूर से किया गया है यहाँ पे, काफी अच्छा ट्राई किया गया था बट नहीं हो पाया। एमेटेन बोलते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा गेम प्ले दिखा रहा है गाइस, हैशटैग एमेटेन लगा दो गाइस, बहुत ही अच्छा सा गेम प्ले दिखा रहा है यहाँ पे एमेटेन को, देखा तैयार है, देखते हैं 4-6 की स्कोर, ये राउंड अगर लिया तो सही है, वरना गाइस यहाँ पे 7-4 में स्कोर जाएगा। और बिल्कुल इसी के साथ साथ 7-4 में स्कोर 4 राउंड लेते हुए देखा गया एमेटेन को। आप लोगों का ओपिनियन तो बताना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।